मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मैं आज बिल्कुल प्यारा सा सोबर सा पैटर्न लेकर आई हूँ, बिल्कुल छोटा छोटा उभरा हुआ सा ये पैटर्न है। कभी कभी हमें बहुत भारी से डिज़ाइन नहीं पसंद आते हैं और सोबर सा डिज़ाइन हम खोजते हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए है। रॉन्ग साइड से ये कुछ इस तरह का दिखता है और राइट साइड से इस तरह का, चार लाइन का ये पैटर्न है। और इसके लिए हमें चार चार करके फंदे डालने होते हैं, 4+4+4 करके, और 3 फंदे एक्स्ट्रा डालने होते हैं पैटर्न को सेट करने के लिए। तो चलिए आज हम इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। और पैटर्न बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मॉम्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ नए नए डिज़ाइन ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज हम इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए 4 के मल्टीपल में मैंने 20 फंदे लिए हैं प्लस 3 फंदा एक्स्ट्रा पैटर्न को सेट करने के लिए, तो टोटल हो गए 20+3 23 फंदे जिन पर हम पैटर्न बनाएंगे। पहली लाइन हमारी राइट साइड की होगी, पहला फंदा हमने स्किप कर देना है, एक फंदा सीधा। 3 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे और इनसे 3 फंदे बनाएंगे, लेकिन पहले 2 फंदों को हम इस तरह से दाहिनी सिलाई पर डालेंगे और फिर तीसरे फंदे को भी इसके साथ पीछे से बुन लेंगे। ये देखिए ये 3 फंदे हमें एक साथ बुनने हैं पीछे से। एक फंदा ऊन आगे, एक बार और इन 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे तो 3 फंदे बन जाएंगे, यानी हमें 3 फंदों से 3 फंदा बनाना है। एक फंदा सीधा, एक बार फिर 3 फंदे एक साथ, पहले 2 फंदों को इस तरह से दाहिनी सिलाई पर डालकर तीसरे फंदे को भी इसके साथ मिला लेंगे और पीछे की तरफ से इन 3 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। एक फंदा हमने निकाल लिया, ऊन आगे करके बुनेंगे तो 2 फंदे और बन जाएंगे। ये देखिए 3 फंदे बन गए 3 फंदों से, एक फंदा सीधा, एक बार फिर 3 फंदे एक साथ, पहले 2 फंदों को हम सीधा करेंगे, तीसरा फंदा को इसके साथ मिलाकर 3 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। ये एक फंदा, ऊन आगे, एक बार और। ये 3 फंदे वापस आ गए, एक फंदा सीधा, एक बार फिर 3 फंदे एक साथ, 2 फंदों को पहले इस तरह से कर लेंगे फिर तीसरे फंदे को इसके साथ मिला लेंगे और तब हम 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे। एक फंदा ऊन आगे करके एक बार फिर बुनेंगे तो 3 फंदे हो गए, एक फंदा सीधा, 3 फंदे एक साथ, 2 और ये एक 3। अब हम 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे पीछे से, पहले थोड़ा सा ढीला कर लेंगे और 3 फंदों से 3 फंदा बनाएंगे। बन गए 3 फंदे, ये फंदा सीधा और ये लास्ट का फंदा सीधा। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो हमारी रॉन्ग साइड की है, सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। ये देखिए सारे फंदे हम उल्टा उल्टा बुनकर सिंपल तरीके से सेकेंड रो को, हर बार रॉन्ग साइड को हम उल्टा उल्टा बुनकर पूरा करेंगे। थर्ड रो हमारी एक बार फिर से राइट साइड की है, पहला फंदा हमने स्किप करना है। ये देखिए यहाँ पे 3 फंदे का ग्रुप सज है, ये 3 फंदे एक में है, यहाँ पे 3 फंदे एक में है, यहाँ पे 3 फंदे एक में है, तो इसमें से जो लेफ्ट फंदा है और यहाँ पर जो राइट फंदा है और एक बीच का फंदा, इन 3 को मिलाकर एक में बुनना है। ये फंदा सिंगल बुना जाएगा तो यहाँ पर बचे 2 फंदे जिन्हें हम एक साथ बुन लेते हैं। 2 फंदे से 2 फंदा बना लेंगे, एक फंदा सीधा और ये 3 फंदे एक साथ, लेकिन पहले हम 2 फंदों को इस तरह से
दाहिनी सिलाई पर डालकर फिर तीसरे फंदों को इसके साथ मिलाएंगे और तीनों फंदे एक साथ बुन लेंगे। ये एक फंदा बुन आ गए, फिर से बुनेंगे तो तीन फंदे बन जाएंगे, एक फंदा सीधा। एक बार फिर तीन फंदे एक साथ, दो फंदों को पहले दाहिनी सिलाई पर डालेंगे, तीसरा फंदा मिलाएंगे और तीनों फंदों को एक साथ इस तरह बुनेंगे कि तीन फंदे बन जाएं। एक फंदा सीधा, तीन फंदे एक साथ, पहले दो फंदों को इस तरह से दाहिनी सिलाई पर कर लेंगे, फिर तीसरे फंदे को इसके साथ मिलाकर बुन लेंगे। तीन फंदे से हमारे पास तीन फंदे आ गए, एक फंदा सीधा, तीन फंदे एक साथ। बहुत ही आसान और बहुत जल्दी जल्दी बुना जाने वाला ये पैटर्न है। देखिए फिर से एक फंदा सीधा, यहाँ पर दो फंदे हैं तो हम दो फंदों को ही एक साथ बुन लेंगे। और ये एक फंदा किनारे का, ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो हमारी रॉन्ग साइड की है, सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनकर पूरा कर लेते हैं। देखिए सारे फंदे हमें सिंपल तरीके से, हर बार रॉन्ग साइड में सारे फंदे उल्टा बुनने हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो हम उल्टा बुनकर इस फोर्थ रो को पूरा कर लेते हैं और इन चार लाइन के साथ हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। जब हम इसे और आगे बुनेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो आप भी इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा, मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।